रेंसिडिटी का हिंदी होता है दुर्वासिता। रेंसिडिटी की हिंदी होती है, हिंदी में इसे कहते हैं दुर्वासिता। तो रेंसिडिटी है क्या? कभी कभी हम देखते हैं कि जो वसा यानी फैट्स एंड वाइल्स, वसा और तेल, जब एक लंबे समय तक एयर एंड मॉइस्चर के संपर्क में रहते हैं, यानी पानी यानी मॉइस्चर यानी नमी और हवा के संपर्क में रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके टेस्ट बदल जाते हैं। और इसका कारण यह है कि उसमें धीमी गति से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चलती है और वो दुर्वासिता में परिवर्तित हो जाते हैं। उनके अंदर से एक स्मेल, बैड स्मेल निकलता है और उसके टेस्ट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि जो फैट्स और वाइल्स हैं एयर के संपर्क में आकर के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि जैसे फैट्स है तो ब्यूटरिक एसिड बना लेता है, और इस तरह से जो वायल से बने हुए जो फूड हैं, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, एक लंबे समय तक मॉइस्चर और एयर के संपर्क कांटेक्ट में रहने पर क्या होता है कि उसका स्वाद भी कुछ खट्टापन लिए आता है और उसमें से स्मेल भी निकलना शुरू हो जाता है। इसको रेंसिडिटी कहते हैं। हम इस रेंसिडिटी को इस तरह से डिफाइंड भी कर सकते हैं कि रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ वाइल एंड फैट्स एंड दे बिकम रेंसिड, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, है ना। और इस रेंसिडिटी से अपने फूड को बचाने के लिए कुछ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे हमारा फूड जो है सुरक्षित रह सकता है। बनता क्या है, हमने बताया कि ब्यूटरिक एसिड जनरली बन जाता है ऑक्सीडेशन होने पर। अब कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, तो हम उसको जहाँ भी रखें, जिस बर्तन में रखें, तो उसको एयर टाइट रखें, यानी जो कंटेनर हो वो एयर टाइट, यानी उसके ढक्कन को काफ़ी अच्छा तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि वो एयर का कनेक्शन पूरी तरह से उसका कनेक्शन कट जाए एयर से। यानी पैकिंग वाइल कंटेनिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखें, तो वह हमारा फूड जो है, जो वाइली फूड है, जो वाइल से बना है, वह रेंसिडिटी से बच सकता है। दूसरा है कि रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, अगर उसका हम रेफ्रिजरेशन करते हैं तो कम टेम्परेचर पर करना चाहिए। और तीसरी बात है कि फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यानी जो पैक्ड फूड आते हैं, जनरली इसमें एक एग्जाम्पल चिप्स का दे दिया गया है, नहीं तो जो पैक्ड फूड आते हैं जनरली उसको नाइट्रोजन से फ्लशिंग कर देने से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है उसको रेंसिडिटी से बचाता है, यानी उसे सड़ने से और उसको रेंसिडिटी से क्या करता है, बचा लेता है। तो हम लोगों ने देखा अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के अंतर्गत, ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे।